क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जिसका कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू 3x + 9y है एंड ये हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं, इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इसकी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 10। देखो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का, तो इज इक्वल टू का साइन लेना है सिंपल। x को 0 रखेंगे तो y 10, y को 0 रखेंगे तो x 10। इसका बनाते हैं ग्राफ ऑफ x + 3y इज इक्वल टू 60। xy और यहां पे x को 0 रखोगे तो y 20 और y को 0 रखोगे तो x मिलेगा 60 आपको। या फिर आप यहां इसको 0 ना रख करके और एक वैल्यू रख लें x को, जैसे हमने रख दिया यहां पर x को रख दिया 30, x को 30 रख दिया, 30 दिस इज द वैल्यू 30, x को 30 रख दिया तो y आ जाएगा 10, x को 30 तो y को 10। ओके अब आप देखें कि यहां पर, या फिर 0,60 ही रहने दें, 0 दिस इज 60। इसका भी मैं कारण बताऊंगा कि क्यों 0,60 रहने दें इसके। अब इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू y, एक्स वाई, एक्स को 0 तो y 0, एक्स को 1 तो y 1, एक्स को 2 तो y को 2। यहां पर आप देखें या फिर यहां पे ग्राफ बनाते हैं, एटलीस्ट आप 10 का इंटरवल लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, दैट्स इट। अब आप देखें तो पहली लाइन का ग्राफ बनाइए, द फर्स्ट लाइन इज 0, 10, 10, 0, 0, 10 होगा यहां पर, 10, 0 होगा यहां पर, तो सिंपल लाइन इन दोनों से पास कर गई। दिस इज x + y इज इक्वल टू 10, x 0, y 20, x 0, y 20 यहां पर, x 60, y 0, x 60, y 0 होगा आपका यहां पर। तो इन दोनों को मैप करें, इस तरीके से जाएगी, दिस इज x + 3y इज इक्वल टू 60। नाउ x 0, 0 यहां पर और 1 ना लेकर के आप इसे, क्योंकि 1 तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, 10 लेंगे तो 10, 20 लेंगे तो 20, तो 10, 10 होगा आपका सम यहां पर दिस पॉइंट, तो इन दोनों से पास करवा दो, दिस इज एक्स इज इक्वल टू वाई। वैसे भी आपको दिखनी चाहिए कि y इज इक्वल टू x ये लाइन होती है और y इज इक्वल टू -x ऐसे होगी, पासिंग थ्रू द नेगेटिव ओरिजिन एंड टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। नाउ अब हम इसका फिजिबल रीजन चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन कहाँ आ रहा है। सबसे पहले इस लाइन को देखो, इस लाइन के इस तरफ यहां कहीं एक पॉइंट है 1, -1, तो उसको हम यहां पुट करेंगे और केवल इनइक्वालिटी वाला साइन लेना, इज इक्वल टू वाला नहीं, एक्स को 1 लेंगे और वाई को -1। तो ये कह रहा है कि 1 जो है वो छोटा होता है -1 से, यानी ये बात तो गलत है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस लाइन का फिजिबल रीजन इसके अपोजिट यानी कि इस तरफ होता, और अगर सेटिस्फाई करता तो इस तरफ होता। सो दिस इज द थिंग, ये हो गया। इसको चेक करो, इसके लिए तो ओरिजिन रख लो,
बेस्ट है। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 10, तो ये बात गलत है, यानी ओरिजिन के दूसरी तरफ इस तरफ होगा। इसमें रखेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन 60, सही बात है, यानी इसका इस तरफ होगा। तो आप देखें तो ये फिजिबल रीजन बन रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स की हम बात करें तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो है 0,20, और ये वाला है हमारा, दिस इज 0,10 एंड दिस इज 0,20, ए बी सी एंड डी, और बी हमारा इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो सॉल्व करते हैं, वाई की जगह एक्स रख दो यहां, एक्स प्लस एक्स इज 10, 2x इज इक्वल टू 10, x इज 5 एंड y इज आल्सो 5, यहां पर b के अंदर 5,5। दूसरे वाले को निकालें, इसमें x की जगह y रख देंगे तो 4y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 15, यानी 15,15। फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गए। नाउ हम z की वैल्यू निकालेंगे एट दी कॉर्नर पॉइंट्स। सो जेड एट ए यानी 0,10, यहां रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 इज 90। उसके बाद जेड एट बी, जेड को हम बी पर निकालेंगे, बी इज 5,5, सो 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, That is 15 plus 45 and 60. जेड एट सी, जेड एट सी आएगा 15 3 15 15 3 45 एंड 15 9 135, सो ये हो गया 180। जेड एट डी, जेड एट डी हम निकालें तो 0,20 पर That will also 0 plus 9 into 20 is 180। अब आप देखें तो दोनों पर ही क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। और ऐसा केस जब बने क्लोज्ड फिजिबल रीजन हो और एक लाइन के किन्हीं दो पॉइंट्स पर आपका क्या है वो मैक्सिमम आ रहा है, मतलब उस लाइन के सभी पॉइंट्स पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है एमसीक्यू, इससे पहले सेट में ही था कि यहां पर वो बोले कि इस लाइन के कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिन पर ये जो लाइन है वो मैक्सिमम, जो जेड है वो मैक्सिमम होगा। तो जेड मैक्सिमम होगा इस लाइन के हर पॉइंट पर, यानी लाइन पर कितने पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट, यानी उस वो कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट पॉइंट पर। आप लिखेंगे Z, इसको नाम दिया है हमने DC, Z इज मैक्सिमम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ लाइन DC, लाइन DC के हर पॉइंट पर ये जो Z है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा।